तो ऐसे ऐसे रूम होते थे, इतनी छोटी छोटी जगह पसीना निकलता रहता था, गंदी स्मेल आती रहती थी उस रूम में। जितनी ज्यादा मस्तीपुरी में आ गए हो ना, इंस्टाग्राम पे ये करना है, पीडब्ल्यू की जंग तुम्हें नहीं लड़नी है, सब जंग भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी ने हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, और राजवन सर को सबसे ज्यादा, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स दैट आई हैव सीन इन पीडब्ल्यू। आप हटो तो बोलूं आपके बारे में, सामने नहीं अच्छा लगता। सो ही इज वन पर्सन दैट आई हैव सीन इन पीडब्ल्यू हु डजंट कम टू एनी इवेंट। आप कितनी बार भी बुलाओ कि राजवन सर इस इवेंट में आना है, वो नहीं आते। उनको बोलो यहाँ पे ये फंक्शन है, आना है, नहीं आते। उनको बोलो ये मीटअप हो रहा है, आना है, नहीं आते। उनसे बोलो बच्चों से मिलने चलना है, वो नहीं आते। और हर बार उनका एक ही आंसर होता है, मेरी क्लास है। एंड आई थिंक आज से शायद 6-7 महीने पहले एक बार हुआ था कि राजवन सर ने मेरे को एक अपॉलॉजी मैसेज डाला था कि सर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा है मेरी क्लास है। तो 6-7 महीने, तो मैंने इनको उल्टा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप क्लास ले रहे हो, मतलब असली टीचर वाला काम आप ही कर रहे हो। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस गाइस स्पिरिट। एंड हम हो गए, हमारे को फाउंडर है प्रतीक भाई हो गए, सो वी रियली अप्रिशिएट। आप लोग जितना प्यार करते हो राजवन सर से, उतना ही हम लोग भी राजवन सर से प्यार करते हैं। किसी भी इवेंट में हम लोग जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, राजवन सर की बहुत डिमांड होती है, राजवन सर को बच्चे बहुत मांगते हैं, और राजवन सर वहाँ नहीं जाते क्योंकि आई थिंक व्हेन वी आर ऑन स्टेज, व्हेन वी आर मीटिंग स्टूडेंट्स, देन देयर इज अ सूरमा टीचर हु इज स्टिल टीचिंग इन बैचेस। एंड लेट मी टेल यू कि राजवन सर अगर दिन में दो लेक्चर लेते हैं, अभी दिन में दो चल रहे हैं, सो ही पुट्स एवरीथिंग इन दोज टू लेक्चर्स। ही इज सच अ टीचर इन पीडब्ल्यू। एंड मैं बाकियों को नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं रखते, सभी लोग यार बहुत दिल जान लगाते हैं, पर राजवन सर जिस एनर्जी से पढ़ाते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो इनके लिए जैसे आपको लगता होगा कि राजवन सर क्या एक क्लास ली उसके बाद अपना जिम जाते होंगे, अपनी जिंदगी जीते होंगे, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, मस्त लाइफ है इनकी, बहुत कूल टीचर है, आपको ऐसा लगता होगा। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी डार्क लाइफ भी होती है हम टीचर्स की, तो आपको लगता होगा बहुत मस्त लाइफ है और क्या, मतलब ही इज अ हीरो और इतना सेलिब्रिटी, ऐसे नहीं है। राजवन सर की एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ है जो मुझे पता है। सो आई थिंक फॉर एवरी लेक्चर ही इज डिलीवरिंग हेयर ऑफ 1.5 आवर 2 आवर्स ही वर्क्स। मुझे जो समझ में आता है मैं बात भी नहीं की, पर मैं खुद कह सकता हूँ 3-4 घंटे एटलीस्ट सर के जाते होंगे, जिस डेडिकेशन से, जिस डिटेल में और जिस वे से ये पढ़ाते हैं, that is just phenomenal. So he is one of the greatest physics teacher that joined PW in the initial phase only, and I'm so proud ki aaj matlab Rajwan sir is so much loved by every student out there. And I am telling you Rajwan sir, main jitne events mein gaya hu aapko bacche bahut poochte hain, bahut bulate hain, and I really feel proud ki aap wahan nahi hote ho, because that is who you are and that is who you will be, and I'm proud of that. And हम सबको ही अच्छा लगता है। इवन मैं आपको एक और किस्सा शेयर करूँ, तो सैयम सर से मैंने एक बार बोला, सैयम बटोला सर से, कि राजवन सर को बुलाने इस इवेंट में, कैसा मेरी हिम्मत नहीं है मैसेज करने की, आपकी हो तो आप करो। मैंने कहा मेरी हिम्मत भी नहीं है, कोई और करेगा क्या राजवन सर को मैसेज। सो वी डोंट यूजली नाउ वी हैव स्टॉप कॉलिंग हिम इन इवेंट्स एंड एवरीथिंग, बट वही बात है ना कि यार असली जंग तो ये क्लास है जो ये लड़ रहे हैं, और असली जंग तुम लोग की ये क्लास है जो तुम लोग लड़ रहे हो। तो जैसे मैं काफ़ी कुछ ये देखता हूँ इस टाइम, ये बहुत चलता है कि PW इज इमोशन, डिफरेंट चैनल पे कमेंट कर रहे हो वीडियोस, यार ये सबसे कुछ नहीं मिलना है तुमको। मैं अभी जितनी भी जगह विजिट कर रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम ये जितनी ज़्यादा मस्तीखोरी में आ गए हो ना, इंस्टाग्राम पे ये करना है, PW की जंग तुम्हें नहीं लड़नी है, सब जंग भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी ने PW क्या बोल दिया, उसका हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब तुम्हें करना ही नहीं, पता नहीं तुम कहाँ से ये सब चीज़ मोटिवेशन ले लियो। हम लोग यहाँ बैचेस में पढ़ा रहे हैं, तुमसे थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि तुम वहाँ से सिलेक्शन पाओ। मैं किसी भी जगह जाता हूँ, हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ बच्चे सेल्फी खींचने लग जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये सेल्फी, ये कैमरा, ये सब कहाँ से चीज़ें आ गई बीच में। आप पढ़ने के लिए आए थे, हम लोग पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हैं, तो द थिंग दैट इज वी ऑल शुड टारगेट, जिसके लिए राजवंश राज, तो यहाँ AC चल रहा है, मुझे कमरा इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है पहली बार। बट लेट मी टेल यू, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना, तो हम लोग ऐसे रूम में पढ़ाते थे जहाँ AC में आग लग गई थी एक रात को। तो ऐसे ऐसे रूम होते थे, इतनी छोटी जगह पसीना निकलता रहता था, गंदी स्मेल आती रहती थी उस रूम में, उधर वाले स्टूडियो में। ऐसी ऐसी जगहों पर हम लोग ने लेक्चर लिए हैं, हम सब ने लिए हैं, और राजवन सर के वो मुझे क्लासेज याद है। तो अभी तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, थिंग्स आर गोइंग गुड, अभी भी दिक्कतें होती है ऐसा नहीं है, बट हैड्स ऑफ टू दिस जर्नी ऑफ राजवन सर, मैं बोल रहा हूँ। एंड आई एम रियली अ फैन ऑफ राजवन सर टीचिंग, एंड द वन थिंग दैट आई एम लिटरली फैन ऑफ एंड दैट इज स्टिल अंडर रेटेड दैट आई फील इज दैट शो दैट यू हैव डन विद द कार्टून और समथिंग, वो टॉय के साथ पिंटू, और उसके अंदर जो आपने चुप बोला था कि क्या चुप या क्या बोला था, चुप रहो, वो इतना यूरेका मोमेंट, इतना अमेजिंग मोमेंट, आई डोंट नो व्हाई इट्स सो मच अंडर रेटेड। सो आई रियली लव द ह्यूमर टाइमिंग एंड द कॉमिक टाइमिंग ही हैज, बट जितना आप लोग को डर लगता है राजवन सर से, हम लोग को भी लगता है, पूरे PW टीम को लगता है। सो आई विश हैप्पी टीचर्स डे टू एवरी राजवन सर इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। देर आर सो मेनी राजवन सर ओवर आउट देयर पुटिंग देयर हार्ड वर्क आउट। और मैं क्या बोलूँ यार, सिलेक्शन पे ध्यान दो, है ना, अपनी पढ़ाई।